सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी, दोनों हंसने लगे थे दोनों रोने लगे थे। गाइज आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये गाना आपको क्यों सुना रही हूँ। तो मैं आपको गाना ये इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ अपनी लव स्टोरी। आपको लेके जा रहे हैं आरकेपुरम सेक्टर 3, जहाँ से हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। तो चलते हैं आरकेपुरम सेक्टर 3। गाइज अब हम एंट्री कर रहे हैं सेक्टर 3 के गेट के अंदर। ये देखिए यहाँ पर हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हैं, हमारी इन द सेंस मेरी और रिद्धि सिद्धि के पापा की। मैं और रिद्धि के पापा छुप छुप के यहीं पे मिलते थे। ये देखो ये वाला ट्रैक भी था, हम यहाँ पर दोनों सेम टाइम पे वॉक करने निकलते थे। बहुत ही प्यारी यादें जुड़ी हैं, हम यहाँ पर काफी टाइम रहे। फिर हमारी और इस दुकान से हम आते थे, ये है DMS, यहाँ से मैं और रिद्धि सिद्धि के पापा आते थे दूध लेने। फ्रेंड्स ये देखिए स्टार्ट हो गए हैं गवर्नमेंट फ्लैट्स। हम यहाँ पर वॉक करते थे और बहुत ही मस्ती करते थे, और मैं अब आपको दिखाऊंगी जिसमें मैं और रिद्धि के पापा रहते। तरीके से आप कह लेंगे मेरा ये मायके भी रह चुका है और मेरा ससुराल भी रह चुका है ये। अब मैं दिखाती हूँ रिद्धि सिद्धि के पापा और मैं कितने पास पास रहते थे, बस एक दीवार का फर्क था हम दोनों के घर के अंदर। गाइस ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, ये वाला गेट, ये था रिद्धि सिद्धि के पापा का यानी कि मेरा ससुराल। अभी यहाँ पर कोई और आ गए हैं, और ये गाइस ये वाला घर था रिद्धि सिद्धि के पापा का यानी कि मेरा ससुराल, और फ्रेंड्स ये वाला घर था मेरा यानी कि मेरा मायका। गाइज ये हैं हमारे माली, हमने माली रखे हुए थे पीछे गार्डनिंग के लिए, ये उनके बच्चे हैं, ये बहुत साल से हमारे साथ रहे हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। गाइज हमारे साथ माली भी यहाँ रहते थे, वो इतने छोटे थे जब आए थे हमारे साथ रहने के लिए, अब ये देख लो उनके बच्चे इतने बड़े हैं जब रह रहे हैं। इसका नाम है कृष्णा और ये है दीपक और ये है रोती। ये लो इनको चीज दो बेटा। रिद्धि सिद्धि की बहुत अटैचमेंट है इनके साथ। गाइज ये वाला घर था रिद्धि सिद्धि के पापा का यानी कि मेरा ससुराल, और ये वाला घर था मेरा यानी कि मेरा मायका। और ये जो आपको बीच में छोटी सी पतली सी दीवार दिख रही है, इसको हमने भर दिया है रिद्धि सिद्धि के पापा और मैंने शादी करके। जो गाड़ी खड़ी देख रहे हैं यहीं पे रिद्धि सिद्धि के पापा गाड़ी खड़ी करते थे, वो जब भी ऑफिस से आते थे शाम को अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते थे और मैं समझ जाती थी कि वो ऑफिस से आ गए हैं, और मैं गेट के बाहर आती थी, हमारा आई कॉन्टेक्ट होता था और हम अपने अपने घरों के अंदर दोबारा चले जाते थे। मैं शादी से पहले कुछ भी अच्छी अच्छी डिशेज बनाती थी, मैं रिद्धि सिद्धि के पापा को कॉल कर देती थी कि अपनी गाड़ी का सेंटर लॉक खोल दो, वो चुपचाप से वो खोल देते थे और मैं चुपचाप से जाके उनकी गाड़ी के अंदर वो खाने का सामान रख देती थी और वो गाड़ी अपनी लेके दूर जाके उसको खा के आ जाते थे। गाइज इतना मज़ा आता था ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से। और उसके बाद क्या होता था, जब मैं उनका उनके लंच बॉक्स में मैं पैक करके कुछ भी देती थी उनको खाने के लिए, जब वो अपना खाना फिनिश कर लेते थे कुछ भी मैं उनको डिश बना के देती थी, उसके बाद वो 11 रुपये उसमें शगन डाल के मुझे वापस करते थे। बड़ा मज़ा आता था। फिर एक दिन गाइज रिद्धि सिद्धि के पापा का बर्थडे आ गया, तो मैंने उनके लिए सरप्राइज बुके मैंने ऑर्डर किया हुआ था, फ्लावर बकेट। तो मैंने क्या करा कि मैं सोच रही थी मैं उनको किस तरीके से दूं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के पापा थोड़े से मेच्योर थे, मुझे बड़ा उनके साथ लगता था कि कैसे मैं उनको टैकल करूं, किस तरीके से उनसे बात की शुरुआत करूं। तो मैंने क्या करा, मैंने वो जो फ्लावर की जो बकेट थी मैंने उनके डोर पे रख दी और डोर पे बजा के अपने घर में घुस गई। तो मैंने सोचा कि रिद्धि सिद्धि के पापा बाहर निकलेंगे, और निकल गई उनकी मम्मी बाहर यानी कि मेरी सासू माँ। और गाइज रिद्धि सिद्धि के पापा शादी से पहले बहुत ज़्यादा सीरियस रहते थे, वो अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा सिंसियर रहे हैं शुरू से ही, अपने वर्क को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहे हैं शुरू से। तो मैं और रिद्धि सिद्धि की जो बुआ हैं वो मेरी फ्रेंड्स थी दोनों शादी से पहले, तो हम लोग कहते थे, मैं उनको चाहती थी, मैंने कैसा है आपका भाई, हमेशा मतलब तुनके भी रहते हैं, कभी हंसते भी नहीं है, ये वो कह रही ऐसा ही है ये। फिर मैंने मेरे एक दो दिमाग में आया, मैंने कहा इनका नाम ना कुछ और होना चाहिए, तो कहती है क्या होना चाहिए, मैंने कहा इनका नाम होना चाहिए रामू काका।
गाइस मैंने रिद्धि सिद्धि के पापा का नाम चेंज कर दिया। मैं शादी से पहले उनको रामू काका बुलाती थी और बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं वो अभी तक मेरे हस्बैंड को रामू काका के नाम से ही जानती हैं। उनका कॉल आता है और मुझे बोलती हैं, और तेरे रामू काका ठीक है? मैं बोलती हूँ हाँ, मेरे रामू काका ठीक है। जैसे कि आपको पता है, हर लव स्टोरी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है, हर स्टोरी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है, तो हम पीछे कैसे रह जाए। हमारी भी लव स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी, और आप प्लीज़ मुझ पे हंसना मत, मेरे को आपको बताने से पहले ही हंसी आ रही है। आपने हमेशा देखा होगा कि लड़का लड़की को प्रपोज करता है, हर स्टोरी में मोस्टली यही होता है, 99% तो यही होता है, पर हमारी स्टोरी में कुछ अलग ही था, कुछ उल्टा ही था, जो कि आप मेरा इशारा समझ गए हो। आप बिल्कुल सही समझ गए हो, हमारी स्टोरी में कुछ अलग था। वो ये था कि रिद्धि सिद्धि के पापा को प्रपोज़ मैंने किया था, पहल मेरी तरफ से हुई थी, और रिद्धि सिद्धि के पापा ने बहुत टाइम लिया मुझे यस कहने में, पर मैं हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मुझे पता था कि रिद्धि सिद्धि के पापा की तरफ से यस ही आना है, क्योंकि मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा था और मैंने उनकी आंखों में देख लिया था मेरे लिए कुछ तो था। बस मैं हिम्मत नहीं आ रही, मैंने उनके यस का वेट करा और फाइनली उन्होंने मुझे यस किया और हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। हमारी लव स्टोरी 4 इयर्स रही थी शादी से पहले, फाइनली फिर हमारी शादी हो गई। अब मेरे 2 बच्चे हैं, रिद्धि और सिद्धि, बहुत प्यारी बेटियाँ हैं मेरी भगवान की दुआ से, और बहुत प्यारे हैं रिद्धि सिद्धि के पापा और बहुत प्यारी है उनकी फैमिली। मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। गाइस आई एम सो हैप्पी, थैंक्स टू गॉड। मैं आपको बहुत ही अच्छी बात तो बताना भूल ही गई रिद्धि सिद्धि के पापा के बारे में। जब हमारी शादी डिसाइड हुई थी तो रिद्धि सिद्धि के पापा ने day 1 से मुझे बोल दिया था कि आप घर से 1 रुपये का भी दहेज नहीं लेके आओगे। तो मैंने सोचा कि वो शायद मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना दहेज के लड़की विदा हो जाए। तो मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। तो जैसे जैसे हमारी शादी के दिन करीब आते गए, मेरे पेरेंट्स भी थोड़ी थोड़ी तैयारियां शुरू कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि मम्मी पापा मेरे कुछ लेके आए हैं। तो उन्होंने वो दिन था जो रिद्धि सिद्धि के पापा ने मुझे थोड़ा सा, मतलब डांट के कह लो, मतलब कुछ भी कह लो, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मुझे ये चीज़ बोल दी थी कि ये बात दोबारा रिपीट ना हो जाए। मैंने जब आपको एक बार ये चीज़ कह दी है कि हमने दोनों साइड से कुछ नहीं लेना और 1 रुपये का भी हमने खर्चा नहीं करना अपनी शादी में, तो ये बात तय हो गई है हम दोनों के बीच में, तो इस बात पे हम दोनों अटल रहेंगे। तो मैं समझ गई कि मैंने कि ये तो वाकई सीरियसली इस बात को बोल रहे हैं, तो मैटर सीरियस है। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मम्मी पापा वो नाराज़ हो जाएंगे, तो आप प्लीज़ कुछ भी इस तरीके से तैयारी मत करना मेरी शादी के लिए। और हालांकि जो मेरी शादी का जोड़ा भी जो था वो भी रिद्धि सिद्धि के पापा ने ही मुझे दिलाया था अपनी पसंद से और अपने पैसों से। मेरी शादी का जोड़ा तक नहीं मेरे पेरेंट्स को ख़रीदने दिया। हम लोगों की सिंपल मैरिज हुई थी टेम्पल में, और अब आपके सामने ही हूँ मैं गाइस। अब मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास वो हर चीज़ है जो लड़की एक दहेज पे लेके आती है। मैं मतलब ये कह रही हूँ कि ये क्वालिटी हर एक लड़के में होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो वो दूसरी फैमिली से जो लड़की लेके आ रहे हैं उनको सिर्फ लड़की ही चाहिए, बाकी जो फैमिलीज़ क्या करती हैं, बाकी जो लड़के क्या करते हैं वो ये भी देखते हैं कि क्या दहेज में मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए गाइस। मैं दुआ करूँगी कि मेरी बेटी को, मेरी दोनों बेटियों को भी रिद्धि सिद्धि के पापा के जैसे ही लड़का मिले। हालाँकि मैं बल्कि ये चीज़ कहूँगी कि हर लड़की को ही ऐसा लड़का मिले जो कि बस वो लड़की ही चाहे, उसका दहेज नहीं। तो गाइस ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो। चलो अब चलते हैं अपने घर, बहुत याद आती है इन प्यारी सी गलियों की, इन हंसी लम्हों को मैं हमेशा संजो के रखूंगी अपनी यादों में। फाइनली फ्रेंड्स, पुरानी यादों को ताज़ा कर हम घर आ गए हैं। अब बारी आती है आज की टिप की। आज मैंने आपको अपनी प्यारी सी लव स्टोरी सुनाई थी, तो आज की टिप भी लव से रिलेटेड ही होनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हस्बैंड का दिल जीतना है तो उनके दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। तो आपको क्या करना है, अच्छा अच्छा खाना बनाकर जो आपके हस्बैंड को पसंद हो वो आप उनको खिलाइए। आप देखना आपका प्यार कितना ज़्यादा बढ़ेगा और आपका रिलेशन भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आप खुद देखेंगे। है ना कमाल की टिप।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे व्लॉग को इसी तरीके से देखते रहिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।